सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नजर मार लेनी है सुर्खियों के पल। जम्मू कश्मीर के राजौरी च एक होर जवान शहीद, दो अतवादी किए गए ढेर। पनौती वाले बयान से राहुल गांधी को बड़ा झटका, ईसीआई ने भेजा नोटिस, दो दिन च देना पवेगा जवाब। एनआईए के एक्शन तो डरिया पन्नू, मैं एयर इंडिया के जहाज को डाउन की धमकी नहीं दी, कहा गुरपतवंत पन्नू ने। जम्मू के राजौरी जिले के कालाकोट में चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लश्करे तौयबा की एक चोटी के कमांडर और एक होर अतवादी को मार दिता है। इस ऑपरेशन में दो अधिकारी ते तीन जवान शहीद हुए हैं। फौज के अतवादियों विचाले चल रहे मुकाबले च हौलदार अब्दुल मजीद गंभीर जख्मी हो गया, जिस कारण उसनु इलाज लिए फौज के हस्पताल च भर्ती करवाया गया, जिथे उसने आखिरी साह लिया। शहीद हौलदार अब्दुल मजीद पुंछते पिंड जौत का रहने वाला सी। अब्दुल मजीद फौज की नौ पैरा यूनिट का सिपाही सी। सूचना मिलने तो बाद पूरे पिंड विच सोग दी लहर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरुद्ध अपनी पनौती मोदी टिप्पणी लेकर चोन कमिशन तो झटका लगे। कमिशन ने उसनों कारण दसो नोटिस भेज के शनिवार शाम 6 बजे तक जवाब देने लिए कहा। भाजपा ने साबका कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी खिलाफ चोन कमिशन च शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की मांग की थी। पार्टी के जनरल सकत्तर राधा मोहन दास अग्रवाल ते एक होर अधिकारी ओम पाठक समेत वफद च शामिल होर आगुआ ने राहुल गांधी के बयान को अपमानजनक करार दिता सी। दरअसल विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच भारतीय क्रिकेट टीम की आस्ट्रेलिया हथों हार तो बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी खिलाफ पनौती शब्द की वरतों की। सिख फौज जस्टिस के आगू गुरपतवंत सिंह पन्नू के सुर बदल गए जापते हैं। नैशनल इन्वैसटीगेशन एजेंसी की सख्त कार्रवाई तो बाद अतवादी पन्नू ने एक होर वीडियो जारी की। इस वीडियो च पन्नू ने कहा कि मेरा वीडियो संदेश एयर इंडिया का बाइकाट करन दा, मैं एयर इंडिया विच बंब धमाके की गल नहीं की। दस दिए कि 19 नवंबर को पन्नू ने एक वीडियो जारी करके एयर इंडिया एयरलाइंस दी उड़ाना नू रोकण की धमकी दी सी, जिस तो बाद दिल्ली ते पंजाब दे हवाई अड्डिया ते सुरक्षा सख्त कर दी गई सी। वीडियो विच पन्नू ने एयर इंडिया के जहाजा नू बंबा नाल उड़ाउण की धमकी दी सी। पन्नू ने कहा सी इक योग है कि 1 नवंबर को पन्नू ने कहा सी कि वह कनेडा के टोरोंटो एयरपोर्ट से वैंकूवर एयरपोर्ट के टर्मीनल नंबर 1 से एयर इंडिया की उड़ाना का बाइकाट करे। 4 नवंबर को पन्नू ने एक वीडियो जारी करके दिल्ली एयरपोर्ट का नाम बदलने की भी गल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस की पूर्व संध्या से अपने संदेश च कहा, मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उन्होंने शहीदी दिवस मौके श्रद्धांजलि भेंट कर दी। गुरु तेग बहादुर जी ने मनुखी कदर कीमतों के अधिकारों की राखी लिए अपनी महान कुरबानी दी। गुरु तेग बहादुर जी ने प्यार दया और भाईचारे का संदेश दिता, उन्होंने सिक्ख्यावान सानू मनुखता की सेवा कर सारिया एकजुट कर प्रेरित कर दिया ने। गुरु जी का जीवन से सिक्ख्यावान साढ़े सारिया च राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित कर दी।
डाटा दी मलकियत वाले ताज होटल ग्रुप दा डाटा लीक होने दी खबर है। रिपोर्ट मुताबिक इस लीक च करीब 15 लाख लोगों की निजी जानकारी उजागर हो सकती है। हैकर्स ने डाटा नू $5,000 च विक्री लिए मुहैया किया। धमकी देने वाले हैकर्स ने कहा है कि गाहक डाटा 2014 तो लैके 2020 है, हुण तक किसी नू भी इसका खुलासा नहीं किया गया। इस महीने की शुरुआत में डाटा की मलकियत वाले ताज होटल ग्रुप में डाटा की उलंघना का मामला सामने आया। दस दिए कि डाटा लीक होने नू लैके डाना कुकीज़ ना दे हैकर ग्रुप ने इसलिए $5,000 की मांग की है। रिपोर्ट मुताबिक डाटा लीक च गाहकों का निजी डाटा जिमें पता, मैंबरशिप आई डी, मोबाइल नंबर से होर निजी आइडेंटिटी इनफॉर्मेशन शामिल ने। इस तो इलावा हैकरस ने सौदे लिए 3 मंगा होर भी रखिया। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान विखे श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मनाने लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भेजे जाने वाले जत्थे 788 श्रद्धालुओं को वीजे प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने भलके 25 नवंबर को पाकिस्तान लिए रवाना किया जाएगा। इस संबंध में श्रोमणी कमेटी वालों प्रबंध मुकम्मल कर ले गए हैं। इस दौरान अब श्रद्धालुओं ने अपने वीजे लगे पासपोर्ट श्रोमणी कमेटी दफ्तर तो प्राप्त किए हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्र सरदार प्रताप सिंह ने दसिया है कि 1684 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमिशन भेजे गए सन, जिन्हों सफारतखाने ने 788 श्रद्धालुओं वीजा जारी किया। उन्होंने कहा है कि 896 श्रद्धालुओं दूतावास ने वीजा नहीं दिता। उन्होंने इतराज किया है कि सिख श्रद्धालुओं के वीजे रद्द करना मनभाग है, जो श्रद्धालुओं वीजा नहीं मिलता तो उन्होंने धार्मिक भावनावां ठेस पुजती है। प्रताप सिंह ने दसिया कि जत्थे की रवानगी लिए तैयारियां मुकम्मल ने। इस दौरान जिन्हें श्रद्धालुओं वीजे लगे पासपोर्ट प्राप्त हुए ने, उन्होंने मनों में गुरुधामों के दर्शन करने लैके वखरा ही चा नजर आया। बहुत वधिया लग रहा। हाँ जी, उत्थे करतारपुर साहब, ननकाणा साहब, पंजा साहब, बाकी होर जिन्हें भी गुरुधाम आ जिहड़े साडे जिथे इत्थे गुरु नानक देव महाराज ने चरण पाए आ, जिहड़े साडे साढ़े गुरुआ साहबान संबंधित आ, उत्थे सारे दर्शन करांगे जी। किन्ना क मन च उत्साह है? बहुत जी, बहुत चाह मन दे विच, उत्साह बहुत है जी। किन्ने दिन दा वीजा लगा? वीजा 10 दिन दा लगा, तो 4 दसंबर की वापसी है। इस बार जिहड़ा जिन्हां दे नां कट्टे गए ने वो बहुत मायूस ने, क्योंकि वो अपने विछड़े गुरधाम दर्शन करना चाहते सन, पर पता नहीं क्यों एडी वड्डी पद्धर ते, नहीं तो आम 5% 10% ना कटे जाते हैं, ऐरक लगभग 45% के लगभग जे ना कट दते हैं, जिन्ना करके सिखां च जां जिहड़े जत्थे जाना चाहते उन्होंने भारी रोस आ। उत्थों दी सरकार नूं भी असीं अपील करते हैं कि उत्थों दे जिहड़े गुरद्वारा साहिबान ने उन्हां दा प्रबंध वधिया तरीके नाल चलाया जाए, उत्थों दे लंगर जिहड़े आ उह वधिया तरीके नाल चलाए जाण, क्योंकि आम नोटिस च आउंदा कि उह प्राइवेट जिहड़े कोई एजेंसी आ उहनूं लंगर दा प्रबंध दित्ता आ, पर लंगर दा प्रबंध कोई एजेंसी नहीं चला सकती, ये संगतां दी सेवा हुंदी आ, संगतां ही चला सकदियां ने। इस करके उत्थों दी सरकार नूं भी जिहड़े वकाफ बोर्ड दे हैगे ने अधिकारी, उहनां नूं बेनती करांगे कि लंगर दा प्रबंध संगती रूप च कीता जावे, ना कि किसी एजेंसी नूं दे के जां किसी कंपनी नूं दे के उहनां को रही कराया जावे। पंजाब विच मौसम बदल रहा है। 25 नवंबर की रात तो एक नवी पछमी गड़बड़ सरगर्म हो सकती है। इस दे प्रभाव कारण 27 नवंबर नूं पंजाब च कुछ थावां ते हल्की तो दरमियानी वर्खा भी हो सकती है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के डायरैक्टर मनमोहन सिंह अनुसार मीह कारण दिन ते रात के तापमान च 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इस तों इलावा धुंद का कहर भी वधेगा। फिलहाल पंजाब च सवेर के समय कुछ थावां ते धुंद पै रही है, पर बारिश तो बाद धुंद के संघने होने की संभावना है। मास्टर कार्डर दिया 3,442 असामियां नूं लैके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वड्डा फैसला सुनाया। साल 2013 विच मास्टर कार्डर दिया 3,442 पोस्टां ते भर्ती हुई सी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग विच भर्ती हुए इन अध्यापकां दे हक च फैसला सुनाउंदे हुए हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं हुक्म दित्ते ने कि
इन्हां अध्यापकां दी भर्ती नूं उन्हां दे रैगुलर 15 जनवरी 2016 दी बजाय मुढ़ली नियुक्ति भाव 31 दिसंबर 2012 तों ही रैगुलर नियुक्ति मंनदिआं पिछले 3 सालां दे सारे आर्थिक लाभ ते बकाए दित्ते जाण। हाई कोर्ट द्वारा सिक्ख्या विभाग ते पंजाब सरकार दे पक्षपाती रवैये ते अदालत अगे झूठ बोलण नूं करड़े हत्थीं लैंदिआं काफ़ी झाड़ पाई गई ते पटिशनर अध्यापकां नूं 3 महीनिआं दे अंदर अंदर पिछले 3 सालां दे सारे लाभ ते बकाए देण दे हुक्म जारी कीते। खेती दे माहिर मने जांदे पंजाबियां नूं सब्जियां ते फलां ने मुड़ झटका दिता है। रसोई विचों हरियां सब्जियां मुड़ गायब होण लगियां ने। त्यौहारी सीजन दौरान छुट्टियां कारण मंडियां विच सब्जियां दी सप्लाई बंद हो गई है। इस कारण सब्जियां दे भाव विच अचानक वाधा होया। इस दे नाल ही फलां दे रेट भी आसमानी चढ़े ने। यह सब बाहरी राज्यों में सप्लाई घटन करके होया। जानकारी मुताबिक पंजाब दे वख-वख जिलों विच सब्जियां ते फलां दीआं कीमतां विच लगातार वाधा जारी है। प्याज ते टमाटर दीआं कीमतां विच हड़प्पे मार रही ने। उधर माहिर कहिंदे ने कि त्यौहारी सीजन दौरान बाहरी राज्यों तों सब्जियां ना आउण कारण सब्जियां दे भाव आसमानी चढ़ गए ने। इस कारण लोगों की रसोई का बजट विगड़ गया। दूजे पासे छोटे सब्जी ते फल विक्रेता भी इस महंगाई तो परेशान ने। जानकारी दे दस दईए कि इस महीने के शुरू में 15 तों 20 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर हुण 65 तों 70 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। तो इस तरह प्याज की कीमत भी 25 तों 30 रुपए प्रति किलो तो वध के 70 तों 75 रुपए किलो हो गई है। तो होर सब्जियां दे भाव भी वध के आम आदमी की पहुँच तो बाहर हो गए। फाजिलका शहर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनू दुग्गल ने शहर दियां वख-वख सड़कां दा दौरा करके सफाई व्यवस्था दा जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने जेल रोड, रेलवे स्टेशन रोड, अंडरब्रिज, फाजिलका, फिरोजपुर रोड आदि थावां ते खुद जाके सफाई व्यवस्था की पड़ताल की। इस मौके डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनू दुग्गल ने नगर कौंसल के स्टाफ नूं सख्त हदायत की कि सफाई व्यवस्था नूं होर दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि कूड़ा नालों नाल चुकया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने शहर वासियों नूं भी अपील की कि वह गिला कूड़ा ते सुका कूड़ा वख करके देन ते कूड़ा निर्धारित थावां ते ही सुट्टिया जावे। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाज़र होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।